पटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हुए लूट मामले का पटना पुलिस ने किया उद्भेदन। चार दुकानों के गार्ड को चाकू के बल पर अपराधियों ने लूटपाट की घटना को दिया था अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की हुई पहचान। कुख्यात अपराधी छोटू डोम और दीपक डोम के साथ चार अपराधी गिरफ्तार। गिरफ्तार छोटू डोम पर पटना जिले के अलावा अन्य जिलों में 28 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। दीपक डोम पर कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज है। 28 और 1 मार्च की रात्रि को टिम्बर कंपाउंड में चार व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कुछ लोगों के द्वारा घुसा गया था। आधी रात्रि में मध्य रात्रि के पश्चात वहां पर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान थे जो कि टिम्बर के साथ डील करते हैं, उनके जो गार्ड्स थे या फिर स्टाफ थे उनको बंधक बनाते हुए और चाकू के बल पे, चाकू और लोहे का जो रॉड होता है, छड़ होता है, उसे मारपीट करके उनको कब्ज़े में लिया गया था और लूटपाट किया गया था। और कुछ बंडल जो कॉयल हैं वो वहाँ से लूट के वो वहाँ पे ले गए थे। क्योंकि ये घटना पीर मोहानी में हुई थी, टिम्बर कंपाउंड में उमा सिनेमा हॉल के बगल में हुई थी और बिल्कुल ही व्यावसायिक केंद्र में हुई थी रात को। अगले दिन इसका फिर कंप्लेंट प्राप्त हुआ संबंधित प्रतिष्ठानों के द्वारा। उसके पश्चात एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया था, पुलिस अधीक्षक मध्य उनके नेतृत्व में और SDPO टाउन के नेतृत्व में, जिसपे हमारे थानाध्यक्ष गांधी मैदान, थानाध्यक्ष कदम कुआं, SIU का टीम और डायल 100 का टीम शामिल था। तो काफ़ी प्रयास के बाद CCTV जितना भी वहाँ पर उपलब्ध था, CCTV के आधार पर बहुत अच्छे हम लोगों को फोटोग्राफ्स मिल गई। फिर इनके आने का रास्ता, जाने का रास्ता और जो सिक्योरिटी गार्ड्स को और स्टाफ को इन्होंने बंधक बनाया था, उन्होंने जो इनका हुलिया बताया था, उसके आधार पर हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। क्योंकि लोग अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध केस गतिविधि हुआ था, फोटोग्राफ्स के माध्यम से और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से जो अभियुक्तों की पहचान हुई, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हेतु दो विशेष टीम लगाया गया और फाइनली इसमें तीनों के तीनों अपराध कर्मी जो इसमें संलिप्त थे वो गिरफ्तार हो गए। एक का नाम छोटू डोम है जो कि बहुत ही कुख्यात अपराध कर्मी है पटना ज़िला का। पटना में ही इसके ऊपर 28 केसेस अभी तक प्रतिवेदित हैं। ये नाला रोड का रहने वाला है। इसके साथ दो और अपराध कर्मी दीपक डोम, उसके ऊपर भी तकरीबन 9 केसेस पटना ज़िला में प्रतिवेदित हैं और एक तीसरा रॉकी डोम। ये सभी लोग मूल रूप से नाला रोड के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण स्थानीय अन्य डोम समाज के लोगों के साथ इनका विवाद हो गया था, जिसके कारण इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था और ये यथाकथा किराए के मकान लेकर करते थे और लगातार इस प्रकार की छिनताई की घटनाएं ये लोग अंजाम दे रहे थे। तो इनसे जो गिरफ्तारी हुई है, जो लूटा हुआ पैसा था 50,500 रुपया बरामद हुआ है, उसके बाद जो बंडल ये कॉयल लेकर गए थे, तार के बंडल लेकर गए थे, उनको रिकवर किया गया था और साथ में एक देसी कट्टा इनसे रिकवर हुआ है। चाकू जो इन्होंने यूज़ किया था, एक स्टाफ को इन्होंने हल्का चोटिल भी किया था वो, और लोहे का जो छड़ लेकर गए थे वो भी रिकवर हुआ है। इनके द्वारा अपने जब इनसे इंटरोगेशन किया गया तो इन्होंने बताया कि जो जितना भी सामान है पहले भी जो लूटते रहे हैं, जब ये हाउस टिकैती में भी जेल गए हुए हैं, तो एक मोहम्मद अफसर नाम के कबाड़ी है जो कि कदमकुआं थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वहीं पे जाके बेचते थे। इनकी निशानदेही के आधार पर उसको दुकान पे छापामारी किया गया और जितना भी रिकवरी हुआ है, ये जो तार का रिकवरी हुआ है वहीं से हुआ, और जो इन्होंने बेच के जो इनको पैसा मिला था वो भी उसने रिकवर कराया है। तो इन तीनों के साथ उसको भी गिरफ्तार करके रिसीवर के रूप में जेल भेजा जा रहा है।